तू सूरज में सांझ पिया जी के आने वाले एपिसोड में व्यूवर्स देखेंगे कि कनक किस तरह से कौशल्या को आग के चुंबल से बचाती है। अब तक शो में हमने देखा है कि वंश को ये बात पता चल गई है कि कनक और उमा शंकर की शादी हो चुकी है, जिसके बाद वंश कनक को ये वार्निंग देते हैं कि वो उमा शंकर के प्यार में ना पड़े और घर लौटकर वापस आ जाए, वरना वो कनक की रियलिटी घर वालों के सामने एक्सपोज कर देंगे। कनक एक दुविधा में है क्योंकि उसे कौशल्या की आवाज सुनाई देती है। जैसे ही कनक भागकर कौशल्या के रूम में जाती है तो वहां पर वो आग देखकर शॉक हो जाती है। अब कनक आग को शांत करने की कोशिश करती है और कौशल्या को बचाने की कोशिश करती है, जिसके बाद वो काफी मुश्किलों से आग को बुझा देती है और कौशल्या माँ को गले लगा लेती है। अब ये देखने के बाद उमा शंकर और मासीसा कनक के ऊपर काफी प्राउड फील करते हैं क्योंकि उसने कौशल्या माँ की जिंदगी बचा ली है। उमा शंकर कनक को धन्यवाद कहते हैं और साथ ही ये भी कहते हैं कि वो जो चाहे वो मांग सकती है, लेकिन इस बात को सुनने के बाद कनक उनसे कोई भी डिमांड नहीं करती है। लेकिन फिर भी उमा शंकर के इंसिस्टेंट के बाद अब ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि कनक क्या डिमांड करती है। आपको क्या लगता है शेयर कीजिए कमेंट बॉक्स में, और टीवी जगत की तमाम ऐसी चटपटी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल टीवी प्राइम टाइम हिंदी।